नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। काफ़ी ज़्यादा समय के बाद वीडियो आ रही है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बढ़िया एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो कि आपको 5-5 वोट का आउटपुट देता है। स्टीरियो चैनल है इसके अंदर और आपको इसके अंदर वॉल्यूम के पोटेंशियल नॉब भी मिलते हैं। प्लस ये एक PM8403 को टक्कर देने वाला बोर्ड है और प्राइस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। जहीं कहीं पर आपको 8403 30-40 रुपये में मिल जाता है, ये उसका दुगना है। लेकिन इसके अंदर आपको फीचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका यहाँ पे नाम पढ़वा देता हूँ, तो ये लीजिए, आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, PM8406 इसका नाम है, ठीक है। और डिजिटल एम्पलीफायर है, प्लस स्टीरियो सेपरेशन के साथ में है और वॉल्यूम के लिए आपको पोटेंशियोमीटर भी देखने को मिलते हैं। 5 वोल्ट का आउटपुट है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया हुआ किस वेबसाइट से मंगाया, क्या किया, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इसको अपन यहाँ से आपके सामने ही ओपन करने की मेरी इच्छा थी, तो मैं आपको सामने ओपन कर रहा हूँ। ये पार्सल मुझे कब का रिसीव हो गया था, लगभग 10 दिन से मेरा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊंगा तभी आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। तो एक बार के लिए आप इस बोर्ड पर नज़र डालिए, कितना बारीकी से इस पर कितने अच्छे तरीके से काम कर रखा है। यहाँ पे आपको कनेक्टर भी दे रखे हैं, आप अगर कनेक्ट करना चाहो तो इससे कनेक्ट कर सकते हो, सोल्डरिंग करना चाहो तो पीछे सोल्डरिंग कर सकते हो। तो ये पोटेंशियोमीटर है, ये दोनों अलग अलग चैनल का है, एक लेफ्ट चैनल का, एक राइट चैनल का पोटेंशियोमीटर है। तो आप दोनों चैनल के पर्टिकुलर वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये फीचर भाई साहब आपको किसी बोर्ड में नहीं मिलेगा जो 100 रुपये के अंदर आता है, और ये मुझे मिला है मात्र 84 रुपये का बोर्ड। प्लस कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगे थे, वो बाद की प्रोसेस में आपको सिंपली बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक IC लगी हुई है, मैं भी यहाँ पे आपको इमेज पे दिखा दूंगा कौन सी IC, वहाँ से आप देख सकते हैं। एकदम साफ सुथरा कनेक्शन है, प्लस यहाँ पे आपको 4 स्क्रू कसने के लिए छेद भी मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया PCB पे काम कर रखा है और मैं बस बारीकी जांच रहा हूँ इस एम्पलीफायर की, और उसी के साथ में मैं आपको थोड़ी सी देर में इसका साउंड आउटपुट भी दूंगा, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये रहेगा कि एक मैं रिव्यू वीडियो आपको दे दूँ, एंड जो नेक्स्ट आएगी उसके अंदर आपको प्रॉपर एक साउंड टेस्ट मिलेगा जिसके अंदर इसको लेकर सारी बातें होंगी कि ये वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, आवाज़ कितना अच्छा है, किस लेवल तक ये एम्पलीफायर है, किस एम्पलीफायर से इसको कंपेयर भी किया जा सकता है, सारी चीज़ें उस टाइम पे आपको पता चलेगी। लेकिन ये वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये जो मैं डिटेल अभी आपको बताने वाला हूँ शायद ही कोई बताएगा। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे आपको 3 टांगे देखने को मिलती है, ये किसकी है, ये इनपुट की टांग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड है, लेफ्ट है और राइट है, ठीक है। और उसी के साथ में आपको देख सकते हैं कि तीनों चारों साइड में ये एक जैसा कनेक्शन, ये लास्ट डे वाला पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से ये इन्होंने वर्किंग की, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपन चलते हैं भाई साहब इस बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट में जो ये दोनों आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल दिए हैं, जो कि बेसिकली पावर इनपुट के हैं। यहाँ पे आप इसको मैक्स टू मैक्स 5 वोल्ट दे सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम आपको 3.7 वोल्ट देना होगा इसको रन करने के लिए, और इसका बेस्ट आउटपुट लेने के लिए आपको 5 वोल्ट देना है, बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और उसके साथ में आपको नेक्स्ट में मिलता है राइट का प्लस और राइट का नेगेटिव, देन मिलता है आपको लेफ्ट का प्लस और लेफ्ट का नेगेटिव। प्योर सेपरेशन है स्टीरियो का इसके अंदर, प्लस एक चीज़ और इसके अंदर है फिल्टर कैपेसिटर, तो उसकी मदद से आपको इसकी जो ऑडियो मिलने वाली है क्लास डी के अंदर, मतलब जो क्लास डी का आउटपुट होता है उसके अंदर अगर फिल्टर कैपेसिटर ना हो तो भाई साहब आवाज़ का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि क्लास डी के अंदर जो ऑडियो प्रोड्यूस होती है मोस्ट ऑफ चांसेस में वो सारी ऑडियो मिक्स रहती है। एंड देन जब इसके ऊपर फिल्टर कैपेसिटर लगता है तो ऑडियो का सेपरेशन बनता है, एंड मिड्स हाइज लोज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद में यहाँ पे आपको 2 पोटेंशियोमीटर मिलते हैं, जिनको आप आराम से आपके हिसाब से घुमा के भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर आप पेचकस डाल के इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो पोटेंशियोमीटर को एक वॉल्यूम पे सेट कर दें, और वो वॉल्यूम वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ एम्पलीफायर में 75% के बाद की जो वॉल्यूम होती है वहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है ना। तो आपको हमेशा इसको कुछ इस टाइप से फुल वॉल्यूम पे प्ले करना है, देन आपको कुछ इस टाइप से सेट करना है कि ये जो फटने लगे आवाज़ इसकी, वहाँ पे इसको सेट कर दो। उससे होगा क्या, आप कोई भी एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं एंड सोचते हैं कि मैं इसको यूज़ करके कुछ पीसेस बना के बेचूँ लोकल मार्केट में, तो वहाँ पे जो 8403 वाला एम्पलीफायर है वो कुछ काम करने ही, वो फेल होता है हमेशा। लेकिन इस एम्पलीफायर को अगर आप यूज़ करके बेचते हो तो आप एक 10 वोल्ट का ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करोगे सामने वाले को जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑडियो देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों साइड में वॉल्यूम के अंदर ही कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम सेट कर दो, चाहो तो पोटेंशियोमीटर अलग से सेट भी कर सकते हो, बाहर की तरफ लगा दो तो बंदा बाहर से भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी उसको अंदर से कंट्रोल करके छोड़ सकते हो, एंड जो यूज़ करने वाला है वो बंदा इजीली इसको कंट्रोल करेगा। और इसके साथ में बहुत ही मस्त इसकी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको इसके कुछ बारीक डिटेल बताता हूँ जो कि मैंने नोटिस किए हैं, तो भाई साहब उसी के साथ में मैं आपको इसकी कुछ ऐसी डिटेल बताने वाला हूँ जो कि कंपनी खुद बताती है, और वो चीज़ मैंने आप नोटिस की तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा साउंड कैंसिलेशन देखने को मिलता है,
जो कि बेसिकली नॉइस को लेके है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपका जो कोई भी नॉइस रहेगा, हमिंग रहेगा, अगर आप एक प्रॉपर पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं प्लस एक प्रॉपर इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो हमिंग यहाँ पे ज़ीरो क्लेम किया है कंपनी ने। और यहाँ तक भी बोला है कि अगर आप स्पीकर पे कान लगा के भी सुनोगे आपको 1% हमिंग सुनाई नहीं देगी, बशर्ते आपको एक तो जो पावर सप्लाई है वो टंकी काम में लेनी है, प्लस जो इनपुट दे रहे हैं ऑडियो इनपुट वो ऑक्स से ना हो के ब्लूटूथ से हो, और एक प्रॉपर ब्लूटूथ से हो, 5.1 हो चाहे 5.0 हो, लेकिन एक प्रॉपर ब्लूटूथ से हो, ताकि इसके अंदर आपको एक ज़ीरो हमिंग का एक्सपीरियंस होए। प्लस कंपनी ने ये तक बोला है इसको मैक्स टू मैक्स आप 5.5 वोल्ट तक चला सकते हो, एंड मिनिमम टू मिनिमम आप इसको 2.5 वोल्ट तक भी चला सकते हो। तो बहुत ही एक अच्छा वेरिएबल एम्पलीफायर ये है, और उसी के साथ में इसके ऊपर डबल पीसीबी का काम किया गया है, लाइक ये फ्रंट के ऊपर एंड बैक के ऊपर दोनों साइड में आपको यहाँ पर काम दिखेगा। प्रॉपर जितना भी वेल्डिंग का काम हुआ है, जितना भी इसके अंदर वर्किंग हुआ है, सारा मशीनरी वर्किंग है, 1% इसके अंदर किसी भी मैनुअली किसी चीज़ को नहीं किया गया। प्रॉपर डिजाइनिंग से लेके कटिंग से लेके असेंबलिंग तक सारा काम मशीन से हुआ है, और उसके साथ में आप इसकी फिनिशिंग देख ही सकते हैं। मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ इसकी साउंड टेस्ट की वीडियो का, और मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा वेट होगा। आप लोग सोच ही रहेंगे कि भाई साहब एम्पलीफायर तो बहुत चलो अच्छा है, इसके ऊपर किस टाइप के स्पीकर हमको चलाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्पीकर का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं हो सकता कि यही चलेंगे स्पीकर, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। आप इसके ऊपर 8 इंची का स्पीकर चलाओगे तो भी आवाज़ तो वो देगा, लेकिन इसके लिए परफेक्ट चीज़ क्या होगी। तो सबसे पहले बात करें परफेक्ट चीज़, केवल 5 वोल्ट का स्पीकर जो है वो ही होगा, चाहे वो 3 इंची के अंदर हो, चाहे 4 इंची के अंदर हो, चाहे 2.5 इंची के अंदर हो, चाहे 2 इंची के अंदर हो, चाहे 1.5 इंची के अंदर हो, चाहे 6 इंची के अंदर हो, चाहे 8 इंची के अंदर हो, चाहे 10 इंची के अंदर हो, केवल 5 वोल्ट जिस स्पीकर का हैंडलिंग आउटपुट है वो अगर इसके ऊपर आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक बिल्कुल बेटर ऑडियो सुनने को मिलेगा। अब ये 5 वोल्ट का क्या सेंस बनता है भाई, 5 वोल्ट से ज़्यादा क्यों ना दे, कम क्यों ना दे। देखो अगर आप 5 वोल्ट से कम दोगे, 5 वोल्ट से कम दोगे, तो स्पीकर का जो कोयल है वो कटेगा, और ऐसे एकदम से तो नहीं कटेगा क्योंकि बहुत कम पावर है, लेकिन बेसिकली बात ये कि स्पीकर डैमेज होगा। अगर आप ज़्यादा दोगे तो मान लीजिए आप 10 वोल्ट का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आवाज़ अच्छी आएगी, 5 वोल्ट जितनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आवाज़ बेटर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर से लगेगी कि हाँ ये स्पीकर जितना दम से बजना चाहिए, जितनी पावर से बजना चाहिए, नहीं बज पाएगा। केवल आपको जो एक साउंड है, क्वालिटी है, वो सुनाई दे देगी। स्पीकर भी हैंडल कर लेगा क्योंकि जस्ट डबल है, 5 से 10 वोल्ट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ, ये कंपनी ने नहीं बोला है, मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप 20-20 वोल्ट तक के स्पीकर भी चलाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और बहुत अच्छा काम करेगी। एक चीज़ और है, अगर आप 20-20 वोल्ट के दोनों स्पीकर इस पर चलाने वाले हो, 5-5 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है, 20-20 वोल्ट के आप स्पीकर लगा रहे हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्टली 5 वोल्ट पर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, स्पीकर बहुत बढ़िया बजेंगे। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इसको असेंबल करके बेचूं, या फिर कोई भी आपके दिमाग में ऐसा प्लान है ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहो, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया है, बॉडी ब्लूटूथ स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी बैकअप आपको मिनिमम टू मिनिमम 4000 mAh के आसपास रखना है। 4000 mAh का बैटरी बैकअप, अप्रोक्स यहाँ पे 3 सेल लगेंगे लिथियम आयन के, जब जाके आपका 4000 mAh के आसपास बैकअप बनता है। और वो बैकअप अगर आप इसको दोगे प्लस जो वोल्टेज बनते हैं आपके 3.7 वोल्ट से ऊपर, कुछ भी दे सकते हो, 5 वोल्ट के अंदर रहना चाहिए, बहुत ही मस्त साउंड आएगा। प्लस एक बैकअप जो बैटरी का रहेगा उससे जो स्पीकर की हैंडलिंग पावर है वो भी बढ़ेगी, प्लस साउंड आउटपुट भी बढ़ेगा, प्लस जो क्रिस्टल एंड क्लियर नॉइस आने वाली है वो बहुत ही अच्छी सुनाई देगी। और उसी के साथ में इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि साउंड कैसा है, एक अप्रोक्स आइडिया तो दे ही सकता हूँ कि कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, मान लीजिए साउंड टेस्ट ना देखे, तो मैं आपको एक साउंड आइडिया दे देता हूँ इसका साउंड आइडिया किस टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको एक ट्रेबल वाली नॉइज़ देखने को मिलेगी, बेस बहुत अच्छा है, बूस्टेड है, लेकिन जो सबवूफर वाला आप कह सकते हैं जो 2.1 वाली बात है, 2.1 वाली बात वो कभी नहीं आएगी। ये हमेशा स्टूडियो बोर्ड है तो स्टूडियो के जैसे ही वर्क करेगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके पास एक स्पीकर है वूफर कोन के अंदर है, तो उसके ऊपर आपको एक गुड क्वालिटी का बेस मिल जाएगा, जितना होना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसको किस लिए लिया हूं और इसको क्यों आपको मतलब मैं दिखा रहा हूं इतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देख सकते हैं ये एम्पलीफायर है, ये मैंने एक ब्लूटूथ बनाया था काफ़ी टाइम पहले, मैं एक बार ये जूम आउट करके दिखाता हूं। तो ये एक ब्लूटूथ मैंने बनाया था, पूरा वुडन डिज़ाइन के अंदर है और इसकी हालत अभी काफ़ी ख़राब हो गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से मैंने सारा सामान निकाल लिए। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब ये तो सब ऊपर है, इसको छोड़ते हैं, ये दोनों जो स्पीकर हैं दोनों 5-5 वोल्ट के हैं, प्लस आप देख सकते हैं 1.5 इंची के अंदर है, तो इसके अंदर मैं ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो
ये दोनों स्पीकर इस मॉड्यूल के लिए यहाँ पर परफेक्ट साबित होंगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँ, अगर आप चाहें तो बड़ा लगा सकते हैं, बहुत ही बेटर आवाज़ आएगी। और जहाँ की बात थी साउंड टेस्ट की, साउंड आउटपुट की, तो मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। जिसके अंदर ट्रेबल है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड रहने वाले हैं, मिड्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेंगे, बेस मीडियम रहेगा, हाई नहीं बोल सकते, ना बूस्टेड बोल सकते हैं, ना लो बोल सकते हैं, मीडियम बेस रहेगा। और यही था एक सिंपल सा क्विक रिव्यू इस एम्पलीफायर का PAM8406 का। और उसी के साथ में एक एम्पलीफायर का मैं आपको यहाँ पर हुक और दे देता हूँ। ये देख सकते हैं एक एम्पलीफायर और आया है अपने पास भाई साहब, ये देख लीजिए कौन सा है, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, नाम भी बता देते चलो, TPA3118, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। दोबारा वीडियो इसका आएगा, इसका अपन पूरा नॉलेज के बारे में बातें करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर अपन साउंड टेस्ट के भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो फाइनली ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।